कि मैं कर पाऊंगी, तो हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। तो प्लीज मोस्ट वेलकम चंचल। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम चंचल राजावत है। अभी जो ग्रुप बी का फिजिकल हुआ था वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और फाइनल लिस्ट में भी मेरा नाम आ चुका है। और जो ग्रुप डी का जो फिजिकल था वो सब मैं सुंदर जी सर, रघुवीर जी सर और सुरेश जी सर की वजह से ही कर पाई हूँ। अदरवाइज आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सर की गाइडेंस में अगर आपने कंटिन्यू किया तो आई थिंक नो विल विल लूज दिस कॉम्पिटिशन। हर कोई जो है अपना कॉम्पिटिशन क्लियर कर जाएगा। थैंक यू। मुश्किल से 10 से 12 दिन थे फिजिकल के, 15 दिन लास्ट, और बोलती थी सर मेरे से कैसे होगा। मैंने कहा भाई आप तो डेली आओ, और काफ़ी हिम्मत थी इसमें भी, और लगातार आए, और इनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज ये आपके सामने फिजिकल क्लियर करके हैं और नंबर इतने ज़्यादा हैं कि मेरिट अगर 20 नंबर भी ऊपर जाए तो कोई टेंशन नहीं है। 8 नंबर ऊपर है, 60 मेरे 77 है, जनरल की 72 है, मेरा EWS से है, और EWS की आई थिंक मैंने तो कट ऑफ देखी भी नहीं है क्योंकि मेरे ऑलरेडी मार्क्स ज़्यादा थे। हाँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 60 क्या। ठीक है, तो बिल्कुल कम समय के अंदर तैयारी करके और आज वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि सुरेश जी सर भी आशीर्वाद स्वरूप इन दोनों को कुछ कहें, दो शब्द। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सुरेश जी। जय हिंद दोस्तों। जय सर। आवाज़ तगड़ी आवाज़। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। ओके, तो यह है कि जो ग्राउंड में आता है उसका सबका फिजिकल पास होता है, और अभी तुम्हारे यहाँ पर मिठाइयों की लाइन लगेगी, वो मिठाई लिए पीछे खड़ा है, उधर ही देख रहे हो तिरछे तिरछे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी आता है सब फिजिकल पास करते हैं। और मैं आपको बता दूँ पवन के बारे में, तो पवन 4-5 अकेडमियाँ छोड़ गया है। 10,000 रुपये तो इन्होंने घूमने में दे दिए थे, जो कि बहुत सारी अकेडमियाँ हैं उनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह है कि उनको छोड़ के हमारे पास आए थे। तो बोले यार हो जाएगा क्या, मैंने कहा आराम से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए। और राजस्थान पुलिस का बैच अभी सुंदर सर के अंदर था उस टाइम, तो इन्होंने आपको पता है कि यहाँ तैयारी की, और पूरे 32 बच्चे थे, पूरे के पूरे जो कंटिन्यू थे पूरे पूरे पास हुए हैं, और उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से ग्राउंड में आओ तो अपने मेहनत के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करते रहिए। और जो गुड़िया खड़ी है पीछे चंचल, इन्होंने ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है इनका, और इनका अभी मेडिकल बाकी है, वो तो मेडिकल में तो कोई रहता ही नहीं है तकरीबन 99%। इसलिए यहाँ कंटिन्यू आओ और कंटिन्यू मेहनत करो, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो मैं अपने और साथी कोच रघुवीर सिंह सर को भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी दो शब्द गए। पहले तो सूर्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से चंचल राजावत और पवन मीणा को हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और बहुत बहुत बधाई बधाई किसी भी एक मार्गदर्शन मिला है, एक मार्गदर्शन मिला है, इस मार्गदर्शन पे मतलब चल रहा है। तुम्हारा जो सीनियर है ना, वो जिस स्टेप पे चल रहे हैं तुम्हें उसी को फॉलो करना है, ठीक है। नए नए इनोवेशन करने हैं, आगे बढ़ना है, जो कोई कमी है वो हम 24/7 तुम्हारे साथ है। कोई भी तुम्हारे माइंड में ऐसी दिक्कत आती है कोई, तो खुल के बोलना है, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। वो ग्राउंड में जितनी भी है हम अपना 100% तीनों को 200% देंगे, बेशक आपको रेगुलर आना, ठीक है। और हिम्मत नहीं आनी, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो यही ख़त्म करके जाना, उसको माइंड में लेके जाना, ठीक है। उसको बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेके जाना, और अच्छी मेहनत करना है। तैयारी यहाँ आगे तैयारी का लेवल एकदम हाई अपर लेवल पर तैयारी करना है, यहाँ पर टाइम पास करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, समझ में आ रही बात है, ठीक है। फिर तुम्हें भी ऐसे ही मिठाई होगी, पूरी लाइन लगती रहेगी, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द खूब मिठाइयाँ खाने के लिए, तरह तरह के व्यंजन बोलते हैं, छप्पन भोग खाने को मिलेंगे, है ना। इधर आ जाओ भाई, दोनों सामने बच्चों की तरफ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ आप, चलो चलो चलता रहा मिठाई की। नहीं नहीं कोई नहीं।
बेस्ट ऑफ लक, अभी जब बुलाएंगे तब एक बार सुन पाएंगे ना, फोटो खींच लो भाई, आ जाए भाई।